हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा अलग चीज़ दिखाने वाला हूँ कि अभी जो है बेसिकली आपको पता ही होगा कि MIS का जो लिमिट है यानी मंथली इनकम स्कीम का जो लिमिट है 4.5 लाख से 9 लाख हो चुका है। तो बेसिकली एक जो है मेरे क्लाइंट हैं वो करने वाले हैं बेसिकली, तो कैसे किया जाता है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और काफ़ी सारी ड्यूटीज़ भी होती है, तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले आपको एक डिपॉजिट फॉर्म लेना होगा जिसमें आपको लिखना है कहाँ करना है। ये HPO, HPO का मतलब है हेड पोस्ट ऑफिस, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो तो जिनका नाम से दिया हुआ है उनका नाम यहाँ पे लिखना होगा आपको। डेट नहीं दिया गया है, सिर्फ मंथ एंड ईयर लिखा है। डेट जब आप जमा करेंगे उस दिन लिखेंगे। 9 लाख का अमाउंट है आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। पोस्ट ऑफिस यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे देखिए जो भी नंबर वंबर है, चेक नंबर वगैरह दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की जो कि है चेक। यहाँ पे देख सकते हो ये है पोस्ट ऑफिस का ऑफिशियल चेक जो आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए सीनियर पोस्ट मास्टर सिलचर हेड पोस्ट ऑफिस आपको यहाँ पे लिखना है जो भी अमाउंट होगा। यहाँ पे 9 लाख्स ओनली जो भी है, यहाँ पे देखिए 9 लाख दिया गया है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है, यहाँ पे देखिए सील दिया गया है, यहाँ पे अकाउंट नंबर जो भी आपका पोस्ट ऑफिस का अकाउंट नंबर है, और चेक नंबर जो है ये वाला देना है 765023, ये वाला आपको वहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अब बात करते हैं मेन फॉर्म की। तो सबसे पहले अगर आप एजेंट से करवाते हो तो देख सकते हो यहाँ पे एजेंट का जो भी कोड होता है वो यहाँ पे दिया हुआ रहता है, उसके बाद यहाँ पे HPO दिया हुआ रहता है, उसके बाद यहाँ पे नंबर स्कीम कौन सा है यहाँ पे देख सकते हो MIS, उसके बाद यहाँ पे देखिए बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे उनका नाम लिखा हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे देखिए सारे एड्रेस डिटेल्स आप देख सकते हो यहाँ पे, उनके सारे डिटेल्स यहाँ पे दिए गए हैं, उसके बाद देखो इसके साथ यहाँ पे उनका पैन नंबर दिया गया है जो भी नंबर डिटेल्स हैं, यहाँ पे देख सकते हो उनका अमाउंट कितना है और ये वर्ड्स में भी लिखा गया है, SBI अकाउंट नंबर भी आप देख सकते हो यहाँ पे दिया गया है, उसके साथ यहाँ पे देखिए नॉमिनी जो है उनका नॉमिनी कौन होगा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफर कितना नॉमिनी का शेयर होना चाहिए 100%, अगर 50-50 है तो यहाँ पे ये मेंशन कर देंगे, ठीक है। SOM जो भी है, लिंक रोड वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं, यहाँ पे विटनेस का साइन होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए एक जन ने विटनेस दिया हुआ है, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे आप देख सकते हो तो पीछे भी लिखना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आधार नंबर आपका जो भी आधार नंबर होगा यहाँ पे मेंशन करेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पे वगैरह वगैरह चीज़ें दिया गया है। वैलिड टिल कितना होगा 2025 तक होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अमाउंट देखिए DOP जो भी है उनका यहाँ पे, ठीक है। जो भी गारंटर है सर्टिफिकेट यहाँ पे देख सकते हो उनका सिग्नेचर है, यहाँ पे जो क्लाइंट है उनका साइन दिया गया है, और कुछ भी नहीं करना है। फोटो आप चाहे तो लगा सकते हो, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। तो ये रहा MIS करने का पूरा टेक्निक, मैंने आपको बता दिया। ये फॉर्म चाहिए, पहले तो डिपॉजिट फॉर्म चाहिए, उसके साथ चेक चाहिए आपको जो पोस्ट ऑफिस से आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप अप्लाई कर सकते हो इसके लिए, और उसके साथ जो है सेविंग अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो है वो आपको यहाँ पे देना होता है, इंक्लूडिंग सारे डिटेल्स जैसे मैंने आपको बताया वो यहाँ पे फिल कर दीजिए, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि किसी वीडियो से आपको मिलते रहे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, मैं इसका रिप्लाई जरूर करूंगा।